Hey guys, welcome to the कैसे करें YouTube channel. Guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को Windows 10 लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड सेटअप करना सिखाने वाला हूँ. Guys, इससे पहले अगर आप Windows XP या Windows 7 यूजर थे लेकिन आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि Windows 10 के अंदर पासवर्ड सेटअप किस तरीके से किया जाता है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को Windows 10 कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर पासवर्ड सेट करना स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ. तो गाइस प्लीज हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. ओके गाइस, शुरू करते हैं. दोस्तों, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप पर लॉगिन पिन लगा लेने से आप लोगों का कंप्यूटर या सिस्टम और भी सिक्योर हो जाता है, ताकि कोई भी थर्ड पर्सन यानी कि जिसके पास में आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के पासवर्ड ना हो लॉगिन करके आपके कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाता है. मान लीजिए कि आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड लगाना है, तो सिंपली आप लोगों को सबसे पहले लेफ्ट साइड में नीचे दिख रहे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से आप लोगों के सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा. इसी स्टार्ट मेन्यू में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में सबसे फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को जो है एक यूज़र प्रोफाइल दिखाई देगी. इस यूज़र प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिएगा. आपको यहाँ पर अब दिखाई देगा चेंज अकाउंट सेटिंग. अब इससे आप जो है दोस्तों अकाउंट के इस सेटिंग्स में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आप लोगों को अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स दिखाई देगी. यहीं पर लेफ्ट साइड में थर्ड नंबर पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को साइन इन ऑप्शन दिखाई देगा. सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा. इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप लोगों के सामने जो है साइन इन के कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे. यहाँ पर आप लोगों को कुछ अलग अलग टाइप्स के जो है लॉक दिए हुए हैं. पहला दिया हुआ है आप लोगों को हेलो फेस, दूसरा दिया है विंडोज हेलो फिंगरप्रिंट. ये ऑप्शन जो है दोस्तों सिर्फ जिन लैपटॉप्स के अंदर फिंगरप्रिंट यानी कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं सिर्फ उसी के अंदर वर्क करता है. और हमारे लिए दोस्तों जो यहाँ पर यूज़फुल है वो यूज़फुल है विंडोज़ हेलो पिन, सिक्योरिटी की, पासवर्ड एंड पिक्चर पासवर्ड. अब अगर मान लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पर जो है वो नंबर्स यानी कि पिन को अपने लॉगिन पिन पर सेट करना है, तो आप लोगों को विंडोज़ हेलो पिन को सिलेक्ट कर लेना है. फिर दिया आप लोगों को सिक्योरिटी की. इसके लिए आप लोगों को दोस्तों अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरीके का एक पेन ड्राइव कनेक्ट करना होगा, और फिर आप लोगों को सिक्योरिटी की को सेटअप कर लेना है. सिक्योरिटी की को सेटअप करने के बाद में आपके द्वारा कनेक्टेड किए गए उस फिजिकल पेन ड्राइव के अंदर एक तरीके की जनरेट हो जाएगी. जब तक आप उस की को यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर प्लग इन नहीं करेंगे, तब तक आप जो है अपने कंप्यूटर के अंदर लॉगिन नहीं हो पाएंगे, यानी कि आप लोगों की एक फिजिकल सिक्योरिटी की बन जाती है. फिर आप लोगों को दिया हुआ पासवर्ड यानी कि कुछ कैरेक्टर्स का पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, जिसमें आप नंबर्स भी शामिल कर सकते हैं और कुछ वर्ड्स को भी शामिल कर सकते हैं. और फिर लास्ट में आप लोगों को दिया हुआ पिक्चर पासवर्ड, जहां पर आप जो है दोस्तों वो किस तरीके के पिक्चर को वेरीफाई करके अपना पिक्चर पासवर्ड सेट कर सकते हैं. मैं यहाँ पर दोस्तों जो है सिंपल वे में पिन को सेटअप करना चाहता हूँ, ताकि बड़ी आसानी से मैं अपने नंबर्स को एंटर करके अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर हो पाऊँ, और ये मेरे लिए सिक्योर भी रहेगा. तो इसे सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को विंडोज़ हेलो पिन पर क्लिक कर देना है. इस पर क्लिक करने के बाद से आप लोगों को यहाँ पर ऐड के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा. इस ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा. तो सिंपली मैंने दोस्तों जो है वो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया है. आप देख सकते हैं कि अब मुझे अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड इंटर करने के लिए कहा जा रहा है. अब ये इसलिए इंटर करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने जो है लैपटॉप को अपनी ईमेल आईडी के साथ में उसे रजिस्टर्ड किया हुआ है. तो अब मुझे यहाँ पर जो है दोस्तों अपने अकाउंट का पासवर्ड इंटर कर देना है. तो मैंने अपना अकाउंट का पासवर्ड इंटर किया, और फिर आप लोगों को साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना. सो आप देख सकते हैं कि आप लोगों से दोस्तों जो है वो पिन को सेटअप करने के लिए कहा जा रहा है. तो सबसे पहले वाले बॉक्स में आप लोगों को जो है वो पिन को एंटर करना है. तो मैंने यहाँ पर अपना एक नया पिन एंटर किया, और फिर कंफर्म पिन में आप लोगों को सेम एज इट इज़ पिन एंटर कर देना है, जिसे आप लोगों ने यहाँ पर सेट पिन में एंटर किया था. और फिर आप लोगों को कर देना दोस्तों ओके. ऐसा करने के बाद से दोस्तों आप लोगों के कंप्यूटर के ऊपर एक लॉगिन पिन जनरेट हो जाएगा या फिर क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद से अगर आप जब कभी भी अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को इस पिन को एंटर करना पड़ेगा. जब तक आप इस पिन को इंटर नहीं कर देते हैं, तब तक आप कंप्यूटर में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और फिर आप अपने कंप्यूटर को यूज़ भी नहीं कर पाएंगे. आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो करके अपने विंडोज 10 कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं. गाइस, अगर आपको पासवर्ड सेटअप करने में किसी भी टाइप की कोई डिफिकल्टी आ रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. ओके गाइस, दिस इज कैसे करें यूट्यूब चैनल, साइनिंग ऑफ. बाय बाय.